सब्सक्राइब कीजिए ऑल स्टेप चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और एंड्रॉइड अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी के एंड्रॉइड डिवाइसेस में होता होगा जीमेल, और आप यूज़ करते होंगे जीमेल अकाउंट को। अगर आप नहीं है तो जीमेल अकाउंट आप बना लीजिए। वैसे हर किसी के फ़ोन में होता है, क्योंकि प्ले स्टोर बिना जीमेल अकाउंट के परमिशन नहीं देता है, यूट्यूब बिना जीमेल अकाउंट के परमिशन नहीं देता है। तो अगर फिर भी नहीं है तो जीमेल अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि गूगल आपके अपने अंदर देता है आपको ढेर सारा स्पेस, जिसमें आप फ़ोन, अपनी फ़ोटोज़, फ़ोन की जो है बैकअप कर सकते हैं, और साथ में आपका जो मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, और या फिर आपके मोबाइल में जो आपकी इवेंट्स हैं, आपने अपने बर्थडे इवेंट्स, अपने फ्रेंड्स के आपने जो सेव करके रखे हैं, तो गूगल अकाउंट उन सारी चीज़ों को अपने अंदर सेव कर लेता है, जिससे आप फ्यूचर में इन केस अगर आपका फ़ोन कहीं हो जाता है, या फिर आप अपने फ़ोन से माइग्रेट कर लेते हैं कहीं और, तो आपके ऐप्स, फ़ोटोज़ या फिर कॉन्टैक्ट सारे के सारे सेव रहते हैं आपके उस डिवाइस में। आपने बस अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है और आप तुरंत एक्सेस पा सकते हैं अपने सारे जो आप पिछले फ़ोन में चीज़ें यूज़ करते थे, मैक्सिमम चीज़ों पे आप एक्सेस पा लेते हैं। तो मेन जो चीज़ थी जीमेल की, जो बात आई थी, क्योंकि आपने अगर आपका फ़ोन खो गया है, तो उसके लिए जो सबसे मेन स्टेप है कि आपके फ़ोन का जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उस फ़ोन में जीमेल अकाउंट खुला हुआ हो। तो उसके लिए अगर आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट है, तो आपने जाना है किसमें, क्रोम वेबसाइट या यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, आप जो भी यूज़ करते हैं, मैं क्रोम को सुटेबल समझता हूँ। तो यहाँ आपने टाइप करना है जीमेल साइनअप, सीधे साइनअप करेंगे हम जीमेल में, क्योंकि मैंने तो साइन इन पहले से कर रखा है। तो आपने सीधे जाना है साइन इन गूगल अकाउंट्स। तो जैसे आप गूगल अकाउंट्स में साइन करते हैं, तो आपकी अकाउंट में आता है माई अकाउंट करके, एक आपका फोल्डर खुलेगा। तो माई अकाउंट में आपने जाके क्या करना है कि फाइंड योर फ़ोन, फाइंड योर फ़ोन नाम का आपका जो एक यहाँ पे बार बना हुआ है, इसमें आपने करना है गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आप अपने करंट डिवाइसेस और अपने पहले के डिवाइस से देख लो। मैंने पहले मोटरोला मोटो ई सेकेंड जनरेशन यूज किया था, उससे पहले एक्वा स्लाइस 2 यूज किया था, अभी लेनोवो K8 नोट है करंट डिवाइस। तो आप इस तरह से अपने जो पुराने डिवाइसेस हैं उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, क्या है, अभी पता कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको आपका गूगल अकाउंट मांगेगा पासवर्ड, क्योंकि बिना पासवर्ड के आपकी डिवाइस में कोई नहीं कर सकता एक्सेस। तो चेक करता हूँ कि मैंने इस डिवाइस में बनाया था अपना गूगल अकाउंट, तो ये मुझे पहुँचा देगा मेरे उस फ़ोन तक जो अभी मेरे पास है नहीं। तो देख, मोटोरोला मोटो ई सेकेंड जनरेशन मेरा जो पुराना फ़ोन था, उसका गूगल अकाउंट मैंने इसमें डाला। तो देख लो उसकी आगे हैं कुछ डाटास। तो अब अपने उस फ़ोन को करता हूँ रिंग, तो वो ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट योर फ़ोन, ये ट्राई कर रहा है। अगर फ़ोन आपका ऑन होगा तो उस केस में आपका फ़ोन रिंग करेगा, आप अपने फ़ोन का डाटा इरेज कर सकते हैं या कुछ और, लॉक योर फ़ोन, ट्राई कॉलिंग योर फ़ोन, साइन आउट ऑन योर फ़ोन, रीच आउट टू योर कैरियर, कंसिडर इरेजिंग योर डिवाइस। अब ये तो था वेब पेज, यहाँ से थोड़ा दिक्कत होती है आपको कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट में जाओ यहाँ से और वहाँ साइन इन करो, कहाँ ढूंढो आप अपने फाइंड माई डिवाइस बार को। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक्सेस बताऊँगा। तो ऐप का नाम वही है जो आपके डॉक्यूमेंट्री उसका नाम है, यस, फाइंड माई फोन, या सॉरी फाइंड माई डिवाइस गूगल LLC, ये दिखे गूगल का ही ऐप है। तो गूगल ने आपको ये दिया है फाइंड माई इंस्टॉल। तो जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होता है, तो ये ऐप ज़्यादा कुछ है नहीं अपने आप में, बस एक जो गूगल अकाउंट के अंदर फाइंड माई फ़ोन जो टेक्स्ट बार है उसका काम ये थोड़ा आसान कर देता है, ताकि आपको सीधे अपने गूगल अकाउंट में जाने के लिए आसानी हो। ऑल स्टेप चैनल है, तो मैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डिवाइस में। मांग रहा है पासवर्ड, तो दे दो भाई पासवर्ड से, तो ज़रूरी है पासवर्ड होना भाई, पासवर्ड नहीं होता तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहती और कोई किसी का नहीं। तो फाइंड ये देखिए, वाह, पूरे गूगल मैप में इंडिया में जो लोकेशन है मेरी वो दिखा रहे हैं, इन योर हैंड, आप देख रहे हो यहाँ पे लेनोवो K8 नोट इन योर हैंड, ये आपको बता रहे हैं वाईफाई कनेक्टिविटी जो जिससे बता रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं प्ले साउंड, ये देखो ये हो गया साउंड प्ले, और स्टॉप साउंड हो गया साउंड स्टॉप। तो आपका अगर आपका आसपास अगर कहीं आपका डिवाइस खोया हुआ है, तो आप पता लगा सकते हैं अपने फ़ोन का।
लेकिन उसके अलावा देखो इरेज का ऑप्शन है, इरेज अपने हैंड में जो फ़ोन आप उसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और डिवाइस को इरेज करना होगा, जैसे ये कि मेरा पुराना फ़ोन था मोटोरोला E2, तो इसमें इरेज का ऑप्शन है। और जो एक्वा स्लाइस है, इनेबल लॉक एंड इरेज, इसमें भी लॉक एंड इरेज का ऑप्शन है, तो मैं इसमें चेक कर रहा हूँ क्योंकि वो दोनों फ़ोन है दोनों ऑफ, तो मैं इसे कर रहा हूँ लॉक। तो लॉक स्क्रीन मैसेज बोल रहा है प्लीज़ सेंड बैक माई फोन प्लीज यार सुन लो ना, अगर टू अगर कुछ मी, सुनाओ ना मुझे ठीक है, नोटिफाई कर दिए तो। तो प्लीज़ सेंड बैक माई फ़ोन टू मी, ये मैसेज आप अपने उसमें छोड़ दोगे और उसे नंबर दे दोगे 7351989389। एक जगह पे जैसे आप सेंड करोगे बैक यहाँ से माई फोन, लॉक, तो ये कि मैंने खुद के डिवाइस में किया, तो ये हो गया देखो दोस्तों लॉक, और यहाँ पे आएगा लॉक स्क्रीन में कुछ ऐसा मैसेज, प्लीज़ सेंड बैक माई फ़ोन टू मी कॉल ओनर। जैसे ही कॉल ओनर, तो जो नंबर आपने उसमें डाला है, जैसे उन्होंने मैंने अपना नंबर डाला है, तो ये नंबर की कॉल आपकी अपने उस आएगी, अदरवाइज उसका बस फ़ोन यार ऑन मेरा नहीं फोन होगा। खराब हो गया यार, प्लीज यार रहने दो तुम। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।